आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की परम पूज्य दीक्षा गुरुवरी आचार्य श्री सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की परम पूज्य शिक्षा गुरुवर आचार्य कल्प श्री सस् सागर जी महाराज की श्रीमद जैन धर्म की दस लक्षण महापर्व की उत्तम संयम धर्म की परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, की। बंधुओं आप सभी लोग आज नियंत्रण की बात सुनने के लिए आए हैं यहाँ पर क्योंकि संसार के प्राणियों के पास नियंत्रण नहीं है नियंत्रण का मतलब होता है संयम तो आज संयम धर्म की बात आप सुन रहे हैं तो हम यह कहना चाहते हैं हमने सुना भी है और देखा भी है उदयपुर में एक बाग है बगीचा है और उस बगीचे में सब लोग अपने मन को रमाने के लिए पहुंचते हैं सवेरे सवेरे सब मालूम है आप लोगों को गुलाब बाग हाँ सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से मन को तो रमाना पड़ता है ना तो मन को रमाने के लिए वहां जाते हैं उसी प्रकार आप सब यहाँ पर भी एक धर्म उद्यान में बैठे हुए हैं और धर्म उद्यान में मन को नहीं आत्मा को रमाना है हमारा जैन धर्म जो है वह महिमाशाली धर्म इसलिए है कि यहाँ पर संयम की बात पहले होती है और यहाँ पर संयम की शिक्षा दी जाती है क्योंकि हमारे तीर्थंकर भगवानों ने गणधर प्रभुओं ने और मुनिराजों ने आचार्य परमेश्वरों ने संयम का महत्व समझ करके अपने जीवन को संयमित बनाया और जीवन को संयमित ही नहीं बनाया उसके साथ साथ उन्होंने संयम की महिमा को भी अपने उपदेशों के माध्यम से हम तक पहुंचाया बंधुओं विश्व शताब्दी में परम बुद्ध चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज हुए और उन्होंने अपने सलैखना साधना के 26वें दिन जहां 22 मिनट का एक अंतिम संदेश दिया था और उस अंतिम संदेश में उन्होंने ये बात कही थी संसार के प्राणी सब जिस बात से भयभीत हैं तो उन्होंने कहा था बाबा नो व्यू नका बाबा नो का मतलब सह प्राणियों संसार के प्राणियों डरो मत तो क्या करें महाराज संयम धारण करा संयम को धारण करो संयम से सभी व्यवहित होते हैं अभी यदि किसी से कहा जाए ये बात अलग है कि अभी आप धर्म उद्यान में विराजमान हैं और आपको एक परम सौभाग्यमय अवसर मिला है कि दस लक्षण महापर्व प्रतिश प्रति वर्ष आता है उस दस लक्षण महापर्व में आप सभी कुछ न कुछ संयम धारण करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं अभी यहाँ पर पांच उपवास वाले लोग आए थे सबने हाथ जोड़ दिए क्योंकि जो लंबे उपवास करते हैं एक उपवास दो उपवास तीन उपवास चार उपवास तो हाथ जोड़ने के लिए जाते हैं भगवान के हैं। और हम तो ये समझते हैं कि आप क्या करते हैं हाथ जोड़ते समय यह बात अलग है कि हमें तो ये समझ में आया कि भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़ लेते हैं भगवान हाथ जोड़े आप व्रत हो गया हमारा बुरा तो ऐसा नहीं संयम से भयभीत मत रहिए संयम को तो धारण करने का मानस हमारा सदैव बना रहना चाहिए पूजा के अंतर्गत आपने लोगों ने पढ़ा है एक क्षण भी एक समय भी हमारा संयम के बिना नहीं व्यतीत हो संयम का मतलब उपवास ही करना ऐसा नहीं है संयम तो हम कितने प्रकार से धारण कर सकते हैं देखिए है, नदी का प्रवाह बहता है और अपन सभी जानते हैं कि नदी जो है बह करके के समुद्र में जाकर के पहुंचती है समुद्र लोभी है चाहे जितनी नदियाँ बह करके के वहाँ पहुंचे लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरता नदी बहती है लेकिन नियंत्रित होकर के बहने वाली नदी जो है अर्थात अपने दो दो तट जो हैं, है, उन दोनों तटों पर वो नदी बहती है तो फिर विनाश किसी का नहीं करती तट से बाहर बह होकर के बहती है जैसे वर्षा ऋतु का समय अभी चल रहा है वर्षा भले ही बरस नहीं बरस रही हो अच्छी बात है क्योंकि नहीं तो फिर वर्षा ऋतु के भय वो भी एक भय हो जाता कि वर्षा ऋतु भय बरस रही है हम कैसे जाएगा लेकिन वर्षा ऋतु में जब नदियों में पूर आता है तो सब देखते हैं जहाँ जहाँ भी अभी नदियों में पूर आया है मध्य प्रदेश के कई गांव जो हैं लोगों के घरों में मकान में पानी भरा हुआ है इतनी बाढ़ नदी में आई उसका कारण क्या है उसका कारण है कि नदी ने अपने बहाव के जो मार्ग था उस मार्ग को छोड़ दिया असैमी होकर के बहने लगी इसलिए उसने विनाश की लीला फैला दी बंदों नियंत्रण कहाँ कहाँ करना है हमारे पास हम सब संगी जीव हैं हमारे पास मन भी है हमारे पास वाणी भी है और हमारे पास शरीर भी है काय भी जो है तो मन वचन और काय तीनों का नियंत्रण हमको करना चाहिए मन का नियंत्रण जो है हमारे मन को धर्म में लगाने में कारण बनेगा और आप सभी देखते हैं कि जब हमारी वाणी असंयमित हो जाती है अनियंत्रित हो जाती है कषायों के आवेग में व्यक्ति अपने वाणी को नियंत्रण में नहीं रख पाता है उस समय उस वाणी के अनियंत्रण से कितने बड़े वो होते हैं देखिए द्रौपदी ने अपनी वाणी का नियंत्रण खो दिया और धस्त्राष्ट्र के पुत्र कौरव जो थे उनके लिए उसने कह दिया अंधों के अंधे ही होते हैं बस इतनी सी बात थी लेकिन बात थोड़ी सी थी पर मर्म भेदी छेद मर्म छेदी मर्म भेदी वचन थे वो और मर्म भेदी वचन बोलने से वाणी का नियंत्रण समाप्त तो हो गया था वाणी का नियंत्रण वाणी का संयम समाप्त तो होने से महाभारत बन गया अपन सभी अपन क्या सारा देश जानता है कि महाभारत का कारण कौन बना था वाणी का संयम नहीं था इसलिए महाभारत का कारण बना रावण ने काम के वशीभूत होकर के सीता का हरण किया क्या हुआ उसका उसका फल यह मिला उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा जो प्रतिनारायण था और तीन खंड का अधिपति था स्वामी था तीन लोग के जितने भी पुरुष या राजा वगैरह थे सब उसकी आज्ञा का मानन पालन करते थे तो जब सीता का हरण हुआ सीता के हरण ने रावण की मृत्यु में कारण बनकर के और खैर जो जन्मता है वो मरता है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन कोई ना कोई कारण अवश्य बनता है जिसके कारण जीव को अपने जीवन से हाथ भी धोना पड़ता है बंधुओं इसलिए क्योंकि रावण के मन में नियंत्रित नियंत्रण नहीं रहा सीता के प्रति उसके भाव खराब हो गए और पर एक बात जरूर है मन नियंत्रित नहीं रहा लेकिन उसका काय जो था शरीर जो था वो अपने नियम के प्रति नियंत्रित रहा उसने एक नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसके साथ मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा और यही हुआ सीता को वो स्पर्श भी नहीं कर सका बंधुओं ये तो रावण का नियंत्रण था इसलिए सीता का जीवन बचा उसका सतीत्व तो बचा और वो सी, सीता स्वयं पतिव्रता थी उसके पास भी संयम था उस संयम के कारण ही उसका जीवन रक्षित हो पाया उसका संयम बचा रहा नियंत्रण के बड़ा महत्व है अपन देखें हमारे पास पांच इंद्रियां हैं पांचों इंद्रियां हमारी नियंत्रण में नहीं रहेगी तो हमारा वर्तमान जीवन किसी भी दशा में जा सकता है व्यसनों में फंसे हुए लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं व्यसन एक ऐसी बुराई है चाहे वो एक हो या सात हो जिनके जीवन में एक है वो भी नाश को प्राप्त तो हो रहे हैं और जिनके जीवन में सातों व्यसन लगे हुए हैं वो तो फिर उनका तो कुछ कहना ही नहीं है तो बंधुओं हमें ये मनुष्य जन्म तो मिला है लेकिन मनुष्य जन्म मिलने के साथ हमारे मन में ये जो भाव उत्पन्न होते हैं कि सब कुछ करने के लिए है हमारी जैसी इच्छा होती है क्योंकि हमारी इच्छा में नियंत्रण नहीं है हम उस पर हमारे वश में नहीं है, हमारी इच्छा है और जैसी इच्छा होती है वैसा हम कार्य करते हैं उसके कारण हमें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है ऐसा क्या चीज है संसार में आपके पास नेत्र इंद्री है चक्षु इंद्रिय के द्वारा आप देखते हैं पर संसार में कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको अभी तक आपने नहीं देखा महाराज मैसूर गार्डन तो अभी तक देखा नहीं वहां तो जाना क्योंकि मैसूर गार्डन है अरे आपके गांव में आपके शहर में बगीचा है तो मैसूर का गार्डन कोई अलग तरीके का थोड़ी है लेकिन महाराज क्या करें सारी दुनिया देखने के लिए आती है मैसूर गार्डन को उदयपुर में तो बहुत कम लोग आते हैं भले झीलों की नगर नगरी है लेकिन यहाँ के गार्डन और बगीचे को देखने के लिए इतने लोग नहीं आते जितने कि विदेश से भी लोग आकर के मैसूर गार्डन को देखते हैं तो मैं भी मैसूर गार्डन देख कर के अपने जीवन को सार्थक करूँगा अरे गार्डन में क्या चीज़ है कौन सा ऐसा पदार्थ है या वहां पर जो कुछ भी है जो कुछ देखने के लिए जाएंगे या जाते हैं वहां कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे अभी तक आपने आधी काल से अभी तक नहीं देखा हो संसार के जितने भी पदार्थ हैं नेत्र इंद्रिय के सारे विषयों को आपने भोग लिया है फिर भी आप टेलीविजन और मोबाइल लेकर के बैठते हैं यूट्यूब देखते हैं आपको पता है यूट्यूब आदि क्या मोबाइल में आप जो कुछ परोसा जाता है उसको देखते हैं आपका मन प्रसन्न तो होता है मनोरंजित तो होता है लेकिन उससे जीवन कितना खराब होता है हमको बड़ा आश्चर्य है इस बात का अभी कुछ दिन पहले पंडित हसमुख जी यहाँ पर आए थे उन्होंने एक बात कही कि महाराज ये मोबाइल ने हमारे बाल बा, बच्चों का क्या बड़े बड़ों का जीवन खराब कर रखा है उन्होंने कई बच्चों जो हॉस्टल में रहते थे उनके मोबाइल पकड़े हैं और मोबाइल पकड़ के उनकी फाइलें नोट बनाई हैं कि ये बच्चे क्या क्या कर रहे थे उस मोबाइल के अंदर जो कुछ भी परोसा जाता है उसको नेत्री देख कर के और नेत्री के द्वारा उसको देख करके हमारा मन तृप्ति का अनुभव करता है लेकिन ये नहीं देखता कि उसने हमारे मन को कितना विकृत किया है कैसे कि विकार उसने उत्पन्न किए हैं विद्यार्थी जीवन में भी यदि इस प्रकार की स्थिति अनियंत्रित रही तो फिर आगे चल करके उसका क्या होगा बंधुओं आप रचना इंद्री के वशीभूत होकर के कौन सा पदार्थ अब तक सेवन नहीं किया संसार का कोई पदार्थ तो नहीं है क्योंकि अभी तो आप कहेंगे कि हमने ये नहीं चखा लेकिन हम तो अनाधिकाल के हिसाब से बात कर रहे हैं कि अनाधिकाल से अब तक ऐसा कौन सा पदार्थ शेष रहा जिसको आपकी रसना इंद्री ने स्वाद नहीं लिया हो उसका सुगंधित पदार्थ ऐसा कौन संसार में है जिसका आपने कभी आपके घर ने सूंघ करके उसका सेवन नहीं किया हो पांचों इंद्रिया है करण इंद्रिय स्रोत्र इंद्रिय है आप संगीत सुनते हैं और संगीत सुन करके आप हर्षित होते हैं लेकिन हर्षित होना अलग बात है वो आपकी केवल ये इंद्रियां जो हैं काय से संबंधित है और आत्मा से भी संबंधित है क्योंकि इंद्रियावरण नौ कर इंद्रियावरण कर्म का जब क्षय होता है तभी इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण कर पाती है ये आँख कान तो बाहर की चीज है तो ये बाहर की चीज़ का महत्व नहीं है अंतरंग में जो हमारे कर्म बैठा हुआ है वो इंद्रियावरण कर्म जो है वह सतत हमारे क्षयश को प्राप्त प्राप्त होता है और उस क्षय के कारण हम उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर पाते हैं लेकिन इंद्रिय के विषयों की बात अभी सभी जानते हैं आप आप स्वयं देखें कि इंद्रिय विषय हमें व्यसन की ओर ले जाते हैं इंद्रियों का विषय ग्रहण करना भी एक व्यसन है और उस व्यसन के कारण हमारा जो शरीर है जिस शरीर के प्रति हमारी ममता है जिस शरीर को हम सजाने में न जाने कितना धन व्यय करते हैं और उस शरीर के पीछे उस शरीर को रोगी बनाने के लिए ये व्यसन और इंद्रिय का व्यसन जो है वो कारण बनता है हमने आ, कितने लोग आप यहाँ को कह सकते हैं हाथ ऊंचा करके कि मैं सर्वथान रोगी हूं मंच पर बैठे हुए लोग भी नहीं कहेंगे लेकिन मंच पर बैठे लोगों का इंद्रियों में नियम नियंत्रण